वेलकम बैक टू माई चैनल फूड फीस्ट बाय सफ़ा। तो आज आपको बताने वाली हूँ फिरनी कैसे बनाना है। रमज़ान का महीना इतनी जल्दी पास बाय हो गया कि मालूम भी नहीं पड़ा, बहुत ही जल्द ईद आ जाएगी। तो इसलिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं स्वीट्स जो आप अपने लिए ईद में बना सकते हैं आसानी से, और या आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। ईद ही क्यों, इट्स अ परफेक्ट मीठा फॉर एनी ओकेशन, या नॉर्मली भी आप कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है, और इस पे ड्राई नट्स है जो कि इसे और भी अच्छा बनाते हैं टेस्ट में। तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक इट देन कीप ऑन वॉचिंग। तो पहले हम भिगा लेंगे आधा बोल बासमती चावल, इसको हम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भिगो लेंगे। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। डाल लिया है हमने हमारी मिक्सी जार में, अब हम इसे कर लेंगे कोसली ग्राइंड। इस तरीके का दिखेगा ग्राइंड होने के बाद। हमने इसे कोसली ग्राइंड किया, एकदम फाइन पाउडर नहीं किया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। तो अब एक पतीले में हम ले लेंगे अराउंड आधा लीटर दूध। हम इसमें डालेंगे हमारे ग्राइंडेड चावल और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और हम इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे। स्लो फ्लेम पे पकाना है जब तक हमारे चावल अच्छे से पक ना जाए, और हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध चिपके ना नीचे। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 5 टीस्पून, पर आप इसे अमाउंट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम कर सकते हैं, या आप इसे ज़्यादा मीठा करने के लिए आप इसमें और शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल चीनी का यूज़ कर रहे हैं, जो कोस जो चीनी हमारी रहती है। हम इस एकदम पहले ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम हमारे चावल को पका रहे हैं उसके साथ हमारी चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी भर ज़ाफ़रान, और ये ज़ाफ़रान से इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसे डाला है दूध में थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर आने लग गया है, और इससे इसमें एक बहुत ही रिच टेस्ट भी आता है। इससे अच्छे से मिला लेंगे अराउंड 5 to 6 strands बोल सकते हैं आप। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, स्लो गैस पे ही हम इसे पूरा पकाएंगे। चावल पकेगा तब तक हमारा दूध एकदम थिक हो जाएगा और अपने इनिशियल क्वांटिटी से कम हो जाएगा। तो अब हम इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे हर तरफ से, एकदम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, हम इसे एकदम नीचे से लेके ऊपर तक मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल या दूध ना चिपक जाए। क्यों टाइम हो गया? तो आप देख सकते हैं इसमें एक प्रॉपर सी जो कंसिस्टेंसी रहती है हमारी फिरनी की, वैसी कंसिस्टेंसी है। शक्कर भी अच्छे से मिल गई है इसमें, और हमारे चावल भी पक गए हैं, और हमारा दूध एकदम अच्छे से क्रीमी सा हो गया। आप देख सकते हैं एकदम थिक सा, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, स्लाइटली क्रीमिश कलर आ गया है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर इलायची पाउडर, एक अच्छी सी खुशबू आने के लिए इसमें। इलायची किसको नहीं पसंद, इलायची की से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसे भी हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे, और इसको इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हमें अराउंड 20 मिनट लग गए। आप इट में वैरी, तकरीबन 1 से 2 घंटे में ठंडी हो जाएगी। तो ये हो गई है हमारी फिरनी तैयार, हमने इसे अच्छे से चिल होने दिया है, और हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, जैसे कि कटे हुए बादाम, पिस्ता। और हम इसे ट्रेडिशनल वे में सर्व करना चाहते थे, इसलिए हम इसे ट्रेडिशनली जैसे हम मटके में सर्व करते हैं उसी तरह हमने इसे सर्व किया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इट लुक्स रियली टेस्टी। एंड इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड फीस्ट बाय सफ़ा, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।